90% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप नहीं मिलती है एंड उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो गलत टाइम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ मंथ जब कंपनीज हायर कर रही होती हैं, तुम रैंडमली उस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो तुम्हें 99% चांसेस है कि रिप्लाई नहीं आएगा। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली वीडियो अगर आप लोग मिस करते हो तो इंटर्नशिप मिलना तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है एंड हो सकता है मिले बिना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत सारी कंपनीज का डेटा बहुत जगह से ढूंढ ढांड के हमने इकट्ठा किया है एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स जो आ रही होते हैं, कौन से मंथ में आ रही होते हैं, कौन सी कंपनी के लिए आ रही होते हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स उसके बारे में। दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल, हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली वर्किंग ऑन माय ओन स्टार्टअप। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले हमने रिसेंटली एल्गोप्रेप एक्स लॉन्च किया था, योर गेटवे टू क्रैकिंग एनी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट इन योर कॉलेज। जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए होती है, चाहे वो तुम्हारा डीएसए हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे तुम्हें सिस्टम डिजाइन चाहिए हो, एलएलडी वाला पार्ट, वो सब हमने एक कोर्स में डाल दिया है। एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एआई प्रेप भी ऐड कर दिया। तुम्हारे कोर सब्जेक्ट जैसे तुम्हारा ओएस होता है, डीबीएमएस होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, सारे सब्जेक्ट उसमें एडेड है। उसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है अंडर 3,000 rupees फॉर अ ईयर सब कोर्सेज का एंड उसी प्लेटफॉर्म पे तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बाइट साइज लर्निंग तुम्हें वहां पे मिल जाती है। सो उसके लिए तुम डेफिनेटली जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कोहोर्ट 5 फॉर डीएसए वी हैव लॉन्च्ड लाइव। अगर तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कोई मेंटर चाहिए जो तुम्हें सिखा पाए, वी हैव सुभेश जो खुद गूगल में काम कर रहा है एंड उसने अब तक 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है एंड उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो चेकआउट द लिंक्स, दोनों के लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। कोहोर्ट 5 की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं तो गो एनरोल नाउ ताकि तुम ज्यादा चीजें मिस ना करो। इस पूरी वीडियो में हम इंटर्नशिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें एक प्लेसमेंट रिलेटेड भी कैलेंडर चाहिए तो उसके लिए तुम कमेंट सेक्शन में प्लेसमेंट कैलेंडर जरूर कमेंट कर देना, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टू। अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर एक स्टूडेंट का कॉलेज में एक ड्रीम होता है कि उन्हें ड्रीम इंटर्नशिप मिले, ड्रीम कंपनी में उनको इंटर्न करने का मौका मिले, बट मोस्टली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। अब जल्दी से बात करते हैं कौन सी कंपनी किस टाइम पे हायर कर रही होती है, उनके सीटीसी का मैं एक बेसिक आइडिया भी आप लोगों को दे दूंगा एंड उसका वर्क कल्चर, बाकी सारी चीजें भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे एंड लास्ट में एक बोनस इंटर्नशिप भी है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, सो स्टिक टिल द एंड। अब फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गूगल। अब गूगल की स्टेप इंटर्नशिप होती है फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मोस्टली गर्ल्स के लिए होती है। ये जो आती है वो दिसंबर के अराउंड आती है, तो अभी टाइम है। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड डीएसए एल्गोप्रेप तो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, पर डीएसए कर लो बिकॉज यहाँ पे जो जितने भी तुम्हारे राउंड्स होंगे मोस्टली डीएसए के होंगे फॉर गूगल स्टेप एटलीस्ट। एंड भाई गूगल तो गूगल ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सेकंड ईयर में इंटर्नशिप का मौका मिलता है, फिर तुम्हें थर्ड ईयर में पीपीआई मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल जाता है एंड बाद में तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो ना फुल टाइम रोल। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, दिस इज फॉर गर्ल्स। तो तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई बंदा या लड़का ये वीडियो देख रहा है तो उसके साथ शेयर करो सो दैट दे क्रैक इट एंड तुम्हें पार्टी मिले। नेक्स्ट आता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का ग्रिड होता है हर साल, ये तुम्हारा जो हो रहा होता है जुलाई अगस्त के टाइम हो रहा होता है, सेकंड थर्ड ईयर यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एंड यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो 1,00,000 rupees होता है। एक और आता है हमारा फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट का रनवे होता है, दिस इज फॉर गर्ल्स, ये भी सिमिलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, फरवरी से मार्च के आसपास इसकी जो ओपनिंग्स आती हैं वो आती हैं एंड 1,00,000 rupees यहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। फ्लिपकार्ट काफी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एवरीवन नोस दैट एंड काफी अच्छा वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस इतनी अच्छी नहीं है बट तुम्हें सीखने को बहुत सारी चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट आ रहा था हमारा गोल्डमैन सैक्स का इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग, सेकंड थर्ड ईयर के लिए होती है, थर्ड ईयर के लिए होती है तो वो फोर्थ ईयर में अपना फुल टाइम रोल वगैरह के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए इंटर्नशिप टाइप के लिए होती है। 1,00,000 rupees आप लोगों को यहाँ पर स्टाइपेंड मिल जाता है एंड गोल्डमैन सैक्स काफी प्रेस्टीजियस कंपनी है, जुलाई में इनकी हायरिंग चैलेंजेस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मिंत्रा हैकर कप, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है नॉर्मल हायरिंग, दूसरी होती है डाइवर्सिटी हायरिंग। अक्टूबर में आपकी नॉन डाइवर्सिटी बेसिकली नॉर्मल हायरिंग हो रही होती है, मार्च टू अप्रैल के टाइम पे आपकी डाइवर्सिटी हायरिंग हो रही होती है। यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड होता है वो 80-90 के आप लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेपीएमसी कोड फॉर गुड, ये तुम्हारा सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, फरवरी से मार्च के अराउंड आता है, यहाँ पे आपका स्टाइपेंड जो होता है 80-90K के आसपास होता है। कोड फॉर गुड अगर आप लोग क्रैक कर ले तो इंटर्नशिप मिलती है, इसके बाद आपको पीपीओ भी मिल सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जेपीएमसी जो कोड फॉर गुड होता है वो बस इंडिया के लिए नहीं होता है, लंदन के लिए, ग्लासगो के लिए भी होता है, तो वहां पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है गूगल एसडी इंटर्न, ये हमारा सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसकी जो ओपनिंग टाइम होता है वो अगस्त से सितंबर के आसपास होता है, जॉब पोर्टल पे आता है एंड जरूर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए रेफरेंस ले लेना, बिना रेफरल लिए तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल या फिर ऑनलाइन टेस्ट भी आएगा। स्टाइपेंड आप लोगों को पता ही है 1,00,000 rupees पर मंथ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एमएक्स कोड स्ट्रीट, एमएक्स का
एमेक्स हम बोल देते हैं, बट इसका पूरा कंपनी का नाम होता है अमेरिकन एक्सप्रेस, काफी बढ़िया कंपनी है। दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल फर्म, तो दिस जो काम होता है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है तुम्हारा गोल्डमैन सैक्स या जेपीएमसी जैसा, बट स्टिल पैसे बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस एज वेल। और इसके साथ साथ एमेक्स का एक और प्रोग्राम होता है फॉर गर्ल्स, इसका नाम है गीक गॉडेस, ये आपका थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर गर्ल्स के लिए होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी ओपनिंग्स आती है, इसमें अपनी गर्ल फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली इज ऑल्सो फाइनेंशियल फर्म, थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे प्रोग्राम करती है, जो इसका ऑनलाइन असेसमेंट या फिर जो एप्लीकेशन डेट होती है अराउंड अक्टूबर से दिसंबर के आसपास आती है, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो इस टाइम पीरियड अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उनके इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना अगर ओपनिंग आ गई है तो, थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जीसॉक, जीसॉक के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा, गूगल समर ऑफ कोड इसको कहते हैं, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जहां पे तुम काफी सारी कंपनीज अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, इस पर लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रमोट दैट, तो गूगल कंडक्ट कराता है। 2.1 लाख से 3 लाख के आसपास इसका स्टाइपेंड होता है फॉर 2 मंथ्स, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई, फर्स्ट ईयर के बाद भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, सेकंड के बाद भी, थर्ड के बाद भी, बस इसमें एक मेन चीज यही होती है कि आप कॉलेज में होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, इस साल नहीं हुआ था एंड हो सकता है कि बाद में भी ना हो, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट एंड इससे पीपीओ के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता था जो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, एंड इसमें 1 लाख प्लस आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा होता है, प्लस पीपीओ के चांसेस बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। टाइम फ्रेम जो इसका होता है मई से जून के आसपास होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्यूट, इंट्यूट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवा, पर इसका जो पूरा टाइमलाइन होती है नवंबर से दिसंबर के आसपास की होती है, 1 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है, काफी अमेजिंग कंपनी है, वर्क कल्चर भी काफी अच्छा है इंट्यूट का एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। सिमिलर चीज इसमें भी है, जॉब पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन डालनी होगी, रेफरल जरूर ले लेना अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उबर हैक टैग, ये हमारा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, फरवरी टू मार्च के आसपास इसकी ओपनिंग्स आती है एंड फाइनली 1.5 लाख आप लोगों को इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिल रहा होता है, एंड उबर तो भाई सब लोगों को पता ही है बहुत बढ़िया कंपनी है, वर्क कल्चर भी काफी सही है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, स्टार्टअप वाला एनवायरमेंट होता है, सो डेफिनेटली इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है जस्पे हायरिंग चैलेंज, ये तुम्हारा होता है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, मार्च के अराउंड हो रहा होता है, तुम्हें 50 के अराउंड स्टाइपेंड मिल रहा होता है एंड मोस्टली जितने भी चैलेंजेस होंगे ना, अगर वो हैकाथॉन नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं है, तो वहां पर डीएसए आप लोगों से पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने डीएसए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से कर लो, मैंने एक 90 डेज रोड मैप बनाया था, आई बटन में आ रहा होगा, इसके अलावा यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आल्गो प्रेप, यहां पे तुम्हें वही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जो अभी खुद से सारी चीजें कर रहे हैं, कर रखी हैं। वेब वाला पार्ट पढ़ाया जसबीर ने, हु इज अ टेक लीड, उनको 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्केलर में पढ़ाया हुआ है, पेप कोडिंग में पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। सिमिलरली डीएसए वाला पूरा पार्ट इसके साथ साथ एलएलडी भी सुबेश ने पढ़ाया, हु इज वर्किंग एट गूगल राइट नाउ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट हमारा आता है डीशो एसेंट प्रोग्राम, ये डायवर्सिटी हायरिंग है, ये ओनली फॉर गर्ल्स होता है, सेकंड थर्ड ईयर गर्ल्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है, जुलाई से अगस्त का इसका टाइम फ्रेम होता है एंड 50-60K के आसपास इसमें स्टाइपेंड मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अमेजन, अमेजन सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वाला सेम प्रोग्राम करवाती है, सितंबर से दिसंबर के आसपास ओपनिंग आती है, इंटर्नशिप में आप लोगों को 1.25 लाख के आसपास स्टाइपेंड मिल रहा होता है, अमेज़न के बारे में किसने नहीं सुना है, तो इसमें भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्को आइडियाथॉन, ये भी सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसकी जो टाइमलाइन है वो मार्च से जून के अराउंड होती है एंड ये 70K स्टाइपेंड आप लोगों को यहां पे मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रिलॉजी कोडगॉन, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है, जैन एंड अगस्त में आपका हो रहा होता है, यहाँ पे आप लोगों को अंधा पैसा मिलता है, सारा बेस कंपोनेंट होता है, 1.5 लाख रुपीस आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, पीपीओ के चांसेस आप लोगों के इंक्रीज हो जाते हैं एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है, बेसिकली जब अगर आप कोऑर्डिनेशन में चले जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है वो दुबई में होती है। नेक्स्ट हमारा आता है वॉलमार्ट कोड हर्स, ये भी एक डायवर्सिटी प्रोग्राम है, थर्ड ईयर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होती हैं, मार्च में आप लोगों का ये हो रहा होता है, 90K आप लोगों को यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा होता है। नेक्स्ट एक और चीज है जो एक रिसर्च इंटर्नशिप IITs में, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वेबसाइट्स आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी सब IITs की इंडिविजुअली एंड ये इसका जो टाइमलाइन होती है फरवरी मार्च के आसपास होती है, अगर आप लोगों को कोई और इंटर्नशिप नहीं मिली है तो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू बूस्ट योर रिज्यूमे। भैया मजा नहीं आया, कुछ ऐसी बढ़िया चीज बताओ ना जिसमें रिश्तेदारों में भी हवा बने हमारी, अब इसको प्रोनाउंस सही से कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये नहीं पता, बट मिटैक्स ग्लोबल लिंक कनाडा इंटर्नशिप है जिसमें आप लोगों को कनाडा जाने का मौका मिल रहा होता है, सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल होते हैं एंड अगस्त सितंबर में इसकी जो टाइमलाइन होती है वो इस टाइम के आसपास होती है एंड सीधा कनाडा जा सकते हो भाई, ठीक है, फुली स्पॉन्सर्ड फुली फंडेड, एयर फेयर खाना पीना सब चीजें आप लोगों को मिल रही होती है, फुल मौज ही मौज एंड बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी ये बहुत सारी इंटर्नशिप थी वेल नोन रिनाउंड कंपनीज की या फिर चैलेंजेस थे जो हर साल होते रहते
रहते हैं जिनका फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन है, इसको तुम लिख के रख लेना एंड इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर देना। सेकंड चीज़, इसके अलावा किसी और कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ पे देखूँ, तो डेयर टू कम्पीट एक वेबसाइट है, डेफिनेटली इसको चेकआउट करना आप लोगों को। हैकर अर्थ हैकर रैंक पे देखते रहना है, गीक्स फॉर गीक्स पे देखते रहना है, यहाँ पे हायरिंग चैलेंजेस होते रहते हैं। इन हायरिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करोगे तो गेटिंग एन इंटर्नशिप या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो इन पर बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप लोगों की कौन सी ड्रीम कंपनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए सिमिलर कैलेंडर चाहिए तो वो भी डेफिनेटली बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।